हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल सिर्फ दो ही मैच शो कर रहा है, अब बस याद रखिएगा 3-4 दिन की बात है, उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल मैच स्टार्ट होंगे। स्मैट जहां शुरू हो जाएगा, जो इंडिया का T20 होता है सैयद मुश्ताक अली, उसके डेली मैचेस आएंगे। ठीक है, अब तो वहां भी शो करता है आपको, मतलब बहुत अच्छे खासे मैच मिलेंगे 2-3 दिन के बाद से। ठीक है, तो कल किसका किसका मैच है? कल है हमारा थंडर का मैच है इसके साथ। ठीक है, तो आज का मैच फिलहाल एडिलेड का है आपका, आज का अगर मैं बात करूं तो पर्थ से। तो बहुत सारा चीज डिसाइड करेगा आज के मैच से भी, पर कल के दिन मैं स्टार्स पकड़ूंगा। ठीक है, मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूं ताकि नीचे की टीमें इक्वल हो सके। ठीक है, जैसे कि अगर ये हारी ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर, तो इनका जीतना बनता है मेरे हिसाब से। हाँ, टीम उतना अच्छा नहीं कर रही और उम्मीद भी थी, क्योंकि हर साल इसी तरह फ्लॉप करते। डिफेंड में आपको कलर देंगे, ठीक है, इनकी डिफेंड की बॉलिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है। जो भी है, अगर देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा, अगर मैनेजर कप नहीं खेलती, क्योंकि देखते हैं क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका वुमेंस का इनके साथ, अब ये कब जाएंगे मेरे को पता नहीं है। तो अभी के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा, आप स्टार्स के साथ रहिए, अगर उनकी वही टीम खेल रही है आप स्टार्स पकड़िए। ठीक है, ये जीतेंगे तो टूर्नामेंट के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और ये वाला देख लेते हैं, तो मैंने पहले दिन भी आपको बोला था TNT के साथ आपको रहना है, इनकी बॉलिंग लाइनअप टॉप क्लास है, बैटिंग भी अभी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप रखीम कॉर्नवेल की टीम के साथ रह सकते हो, शायद ये रखीम कॉर्नवेल की टीम अकेले मैच जिता रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। इन सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इनका कोच बनना का मेरे को जिंदगी में मौका मिले तो इनको ये नहीं समझ आता ये लोग क्या करते हैं। मैं सिर्फ गलतियां बता रहा हूं, अगर आपको ये सब बेवकूफियां नहीं सुननी तो आप एकदम आखिरी में जाके वीडियो देख सकते हो, मैं गोला लगा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे मेन मेन प्लेयर ये ऊपर में भेज देते हैं और नीचे में सारे ऐसे प्लेयर को रखते हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मेरे को ये कभी नहीं समझ आया कि ये क्या 5 ओवर का मैच हो रहा है क्या, कि 7 ओवर का मैच हो रहा है। भाई, इट्स अ 20 ओवर गेम, आपके पास आखिरी में अच्छे प्लेयर होने चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूं, इनके पास पहले कैप्सी भी थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप दीप्ति शर्मा, जैसे इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, नेवल सदरलैंड की, दीप्ति शर्मा को ना तो बॉलिंग दे रही है ना बैटिंग दे रही है। अरे भैया, इंडिया की स्टार प्लेयर है ये, आप इसको 4 ओवर बॉलिंग, तो बल्कि ओपन बॉलिंग आप दे सकती हो, बैटिंग में ऊपर में भेजो, लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन बनेगा सेंसलेस तरीके से, और ये नीचे में तो कोई बल्लेबाजी नहीं है। और रिस मैकेना को लास्ट मैच में मैं देख रहा हूं जल्दी भेजने, बल्कि दीप्ति शर्मा है, तो समझ नहीं है इनके पास। आपको जब तक गेम की समझ नहीं होगी तब तक आप जीत नहीं सकते। मैं ये बोल रहा हूं, ये इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट के लिए बेटर रहेगा, बट ये क्यों हार रहे हैं उसका रीजन, हर साल इसीलिए हारते हैं क्योंकि इनके कोचेस को कुछ समझ नहीं है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बस शुरू में 3-4 प्लेयर मेन में भेज देंगे, पर ये फिर पूरे फ्लॉप हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप नीचे के प्लेयर को ऊपर भेजो, इतने सारे बॉलर्स को क्यों लेते हो मेरे को समझ में नहीं आता। ये आप जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉलर, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब सेंसलेस है भाई, कोई एक प्रॉपर बल्लेबाज उठा लो, बहुत सारे प्लेयर हैं जिसको आप प्रॉपरली खेला सकते हो, इसीलिए हारते हैं। और ये एक मेजर रीजन है जो कोई ध्यान नहीं देता, 4 बॉलर मोर देन इनफ है, बाकी आप बल्लेबाजी नीचे तक रखो। इसीलिए मैंने आपको बोला था रेनेगेड्स के साथ रहिए पूरे टूर्नामेंट, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन 11 तक खिंचती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका मेन, आप अगर मेरा पहले भी वीडियो देखे हो तो इनके जो टॉप 4 थे सॉलिड थे, पर अब हीतर नाइट हट गई, जैसा मैंने बोला था। अभी पता नहीं मेरे जन कप का नाम क्यों लिखा है, मैं देखता हूं अभी। ठीक है, मेरे को नहीं आइडिया अभी क्या है, मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि मेरे जन कप इधर भी इंटरनेशनल नहीं खेल रही है, काफी टूर्नामेंट में मैंने देखा है, अब वो क्या इनका प्लान है पता नहीं। तो अब तो ये इनका अब ये पूरी टीम सिर्फ यही 3 प्लेयर पर डिपेंडेंट रह गई है ना। ये लास्ट मैच क्या किए थे, लास्ट मैच जीते थे कि हारे थे, थोड़ा मैं देखूं, अभी याद नहीं आ रहा यार, लास्ट मैच ही जीते थे। ठीक है, ठीक है, तो अब इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस 3 के बाद इसके पास ये कोई बल्लेबाजी नहीं है, बस यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि अब ये 3 पर डिपेंडेंट हो गए। और जॉर्जिया वॉल टूर्नामेंट के स्टार्ट में काफी अच्छा खेल चुकी है, चमारी उतना फॉर्म में नहीं लग रही, और वो ब्लेक फील्ड, अगर इनके 2 विकेट गिरे स्टार्ट में तो फिर ये फुल कोलैप्स करेंगे, इनसे रन नहीं बना। अच्छा, हाँ, ये लास्ट वाला मैच तो इसका उससे था ना, मैंने दिया भी था, पता नहीं इसमें क्यों इस तरीके से लिखा यार, कुछ समझ में, अबैंडनड हो गया था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिडनी सिक्सर्स ने इनको 120 भी आउट कर दिया था, है ना, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप नहीं है। ये कोलैप्स करेंगे, ये चेस करके आपको हारते हुए मिलेंगे, और इवन बैटिंग फर्स्ट करेंगे, इनका 2 विकेट गिर गया तो फुल कोलैप्स करेंगे। तो इसलिए चलिए आप इनके साथ रहिए, मैं इनकी कमजोरी बता दे रहा हूँ, ये पूरे अब डिपेंडेंट है 3 प्लेयर पे, बस काम खत्म। अब इस पे आते हैं, ठीक है, TNT वर्सेस बारबेडोस, इनके में देखा जाए तो ये सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट ये सब अच्छा कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो इनकी टीम पूरी सॉलिड है आखिरी तक, और ये कप्तान ये कैसे बन गए पता नहीं, ये तो शायद कैप्टन थे नहीं, मेरे को नहीं आइडिया, यानी करिया शायद कैप्टन थे, जो सॉरी सिल्वा कैप्टन थे। अब शायद इनका शायद बांग्लादेश से कुछ टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कि क्या शुरू हो रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो जितने भी टेस्ट के प्लेयर हैं वो अब नहीं खेलेंगे, तो जोशुआ डिसिल्वा इनके कप्तान हट गए। जोशुआ जेम्स का नाम याद रखिएगा, ये भी वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, याद रखिएगा इस बात को, अपन इन्हीं के साथ रहेंगे, सिंपल हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो बन गया, और मैंने आपको बता दिया हमारी टीम क्या रहेगी, हमारी टीम स्टार्स रहेगी टूर्नामेंट के लिए, हमारी टीम ये रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब मैं देख रहा हूँ हमारे पास ये भी आ गया, तो चलिए देख लेते हैं क्या टीम है क्या नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप में इन्होंने काफी बेहतरीन किया, ठीक है, और फाइनल में जाके रिलाए, फाइनल में जाके न्यूजीलैंड इनको हराया। ठीक है, अब बाकी इनकी टीम मैंने बताया था क्यों हारे थे ये, क्योंकि इनके कप्तान एंड मोमेंट पे इनके और एलिसा हेली दोनों ही हट गए थे चोटिल दिखा करके, क्योंकि इनको बोला गया था भैया आपको नहीं जितना टूर्नामेंट, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। मैच अच्छा बनेगा है क्या, पहले ये देख लो, T20 है, पहले इनका T20 है, शायद फिर शायद ODI होगा। तो ये बात करते हैं मैच कहां पर है, मैच साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं एकदम फटाफट से। तो माया बाउचरिया, डेनी वाइट सब जमाने से खेल रहे हैं, एलिस कैप्सी है ना, नेटलिस कैबे ब्रंट, इधर भी चाहिए WBBL में नहीं दिखी, हीथर नाइट, एमी एलन जोन्स, फ्रेया कैम्प, सब एक नंबर प्लेयर है। तो मतलब सिडनी सिक्सर्स को भी नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि सोफिया क्लस्टन अब नहीं खेल रही है, चार्ली डीन, आपकी सारा ग्लेन और लॉन, तो इनके टीम में कभी कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और लिंसी स्मिथ पता नहीं है रेनेगेड्स वाले इनको क्यों नहीं खिला रहे हैं, रेनेगेड्स में कुछ प्रॉब्लम हुई हो मेरे ख्याल से पता नहीं। लॉरेन फिलर अच्छा करती है, बेसिट मोटा मार लेती है, ये अच्छा, तो इनके पास टीम में तो कोई कमी नहीं है,
इनका मैच साउथ अफ्रीका की टीम एक बार चेक कर लेते हैं। लॉरा वुडवर्ड आपको रन बना के देंगी, तजमीन ब्रेट से रन बना के देंगे, अनेका बॉस टॉप क्लास की बैटिंग कर रही है, दरवीश सने लला बेदम बेहतरीन बॉलिंग करियर, याद रखिएगा अभी डोमेस्टिक में वापस से लेग स्पिन खेलना इन्होंने एक मैच स्टार्ट कर दिया, मैंने खुद देखा था एक मैच भयंकर तरीके से जिता दिया था इन्होंने। ये पहले लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर, मतलब पहले प्रॉपर ऑलराउंडर थी मान के चलिए, जब भी कप्तान थी लेग स्पिन भी करती थी, अब इधर भी इन्होंने फिर से लेग स्पिन करना स्टार्ट किया। अब हो सकता है कि आपको ये चार ओवर करते मिले, तो याद रखिएगा अगर आप फैंटेसी वगैरह कुछ करते हो, किसी को नहीं पता होगा पर मेरे हिसाब से ये चार ओवर पूरा करेंगी जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। इन्होंने हाल ही में बहुत रन बनाए हैं इनका जो डोमेस्टिक चल रहा है उसमें, ठीक है। एमी डेकरसन तो भाई बहुत मोटा मारी थी एक मैच में और ये आपको कोई भी मैच विन करा के दे सकती है। क्लोए टेरॉन आपको मालूम है ये कौन से टीम से रिलाई है, ये अभी शायद उसमें थी ना हीट में थी या किस में थी, ठीक है। नाडियन डिक्लर का फॉर्म बहुत डाउन हुआ है, ठीक है, ये ब्रिस्बेन ये भी हीट में थी, वो किस में थी पता नहीं, अभी नाडियन डिक्लर का फॉर्म बहुत डाउन हुआ है, अगर चार ओवर इनको बॉलिंग मिले तो बेटर रहेगा। मराक्स अच्छा कर रही है, मलाबा अच्छा कर रही है, ये ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है, ये तो झंडू है, ये अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है, तो टीम में तो कोई कमी नहीं नजर आ रही। मैं फिर इनको ऐसे चेस टीम मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है और बॉलिंग में अगर मेरे हिसाब से अब सने लल्स भी बॉलिंग करेंगी, क्लेवर टेरॉन बॉलिंग करेंगी, पर इनके पास मैरिजाइन कप नहीं दिख रही, ठीक है, जैसा मैंने बोला था, तो टीम तो वही है जो इंटरनेशनल खेलते हैं, खाली मैरिजाइन कप नहीं है, पर वही सबसे मेन प्लेयर है इनकी, ठीक है। चलिए काफ़ी सोचा हूँ मैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये आप टूर्नामेंट में आप पकड़ोगे चेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, हद से ज़्यादा सोचने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है पर इनकी जो ये बैटिंग है ना अभी तजमीन ब्रेट से सब इतना बढ़िया कर रहे हैं डोमेस्टिक में अपने जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब इनकी बैटिंग लाइनअप तो ऐसी है कि आप इनको चेज में हराना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। आखिरी तक खेल ले रहे हैं और नीचे के मतलब आपको तो सिर्फ कलर चाहिए और खुलेगा कुछ नहीं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये खुलना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब इंग्लैंड इंग्लैंड हॉट फेवरेट ओपन होगी और 100% ओपन होगी क्योंकि उनको हराना बहुत मुश्किल है। हाँ उनकी बॉलिंग अच्छी है पर साउथ अफ्रीका के पीछे सब धीरे धीरे आसान हो रही है, अब ये क्या मदद मिल पाएगी नहीं, चेज में कलर आने की पूरी उम्मीद है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मैं पकड़ूंगा चेज, ठीक है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि शायद आपका चेज में काम बन जाएगा, ठीक है। हाल ही में इन्होंने अच्छे चेजेस भी किए हैं और बेटर यही रहेगा हमारी पहली बैटिंग करके, बाकी मेरा एक जो ट्रिक है वो आप याद रखिएगा, वो सब में एप्लीकेबल है, जो भी एक झंडू टीम इसमें झंडू टीम साउथ अफ्रीका, आपको कैसे पता करना है वो झंडू क्या होता है, ये या इससे नीचे ओपन हो जाए तो आप समझ लीजिएगा वो झंडू टीम है, क्योंकि भाई बराबर की टीम इक्वल की टीम होती है जिसमें 80 या तो 75 से ऊपर ओपन हो आप मान के चलो कि हाँ भाई उसको भी श्योर नहीं है कौन जीतेगा, है ना, बट 50 से नीचे का मतलब मेरा एक बहुत पुराना ट्रिक है 4 साल पुराना कि 50 से नीचे वाले में आपको एक इनिंग के बाद 50 से ऊपर बहुत रेयर केस में मिलेगा, है ना, तो सब चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ 1000 बार। अगर पहले बैटिंग करके पूरा 20 ओवर तबियत से खेल दें ऐसे भी आपको कलर नहीं मिलने वाला, ये फर्स्ट इनिंग में आपको मिलेगा ही नहीं जितना भी बना ले, ठीक है, तो मेरा तो ट्रिक वही रहेगा हमेशा के लिए, बट एज ऑफ नाउ अगर आप मेरे से पूछोगे तो चेज पकड़ो, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर कट मेरे हिसाब से चेज में कलर आपको आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता ही हूँ, ठीक है, बाकी करूँगा बहुत सारे टूर्नामेंट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। अभी जहाँ तक मैं क्रैक्स खोल के बैठा हूँ तो अभी बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का एक टूर्नामेंट होने वाला है टेस्ट मैच, उसके बाद उसके जो भी हो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू होगा, है ना, इसके बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे जा रही है तो वो भी मैच अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भले कभी कुछ कर नहीं पाते, चलिए उनका भी स्क्वाड आ गया मैं देख रहा हूँ फर्स्ट ओडीआई में, थोड़ा चेक कर लूँ क्रेग अरविन ब्रायन बेनेट ये सब दिखा रहे हैं, देखना पड़ेगा सिकंदर रजा ये सब है कि नहीं, उनकी टीम भी बहुत सॉलिड है, बहुत सारे प्लेयर उनके पास भी आ गए हैं, तो वो टूर्नामेंट भी आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। यही सब टूर्नामेंट तो पकड़ना है, मतलब पाकिस्तान जिम्बाब्वे लोग इन सबको ध्यान नहीं देते और यही सब मैच पूरे उड़ते ही चले जाते हैं। अभी हाल ही के कुछ टूर्नामेंट आप जानते हो न्यूजीलैंड श्रीलंका के कितने मैच अच्छे बने, है ना, सबको लग रहा था यार तो झंडू टीम है ओपन कुछ होने रहा कुछ होगा नहीं, पर हुआ और मैंने भी आपको पिक करके दिया है ना। श्रीलंका जा रही है साउथ अफ्रीका, ठीक है, वो एक अच्छा टूर्नामेंट ग्लोबल दिखा रहा है आपका, आयरलैंड बांग्लादेश का टूर्नामेंट चल रहा है, आयरलैंड और बांग्लादेश का टूर्नामेंट चल रहा है ना, इंग्लैंड अभी जाएगी न्यूजीलैंड वो आपका बढ़िया टूर्नामेंट बन सकता है, एक नेपाल T20 जहां शुरू हुआ वहां आप मान के चलो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, तो टूर्नामेंट बहुत सारे हैं, ठंडा रहना है आपको, बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, बाकी जो होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूं, ये एक बार गोला लगा दूं वरना बंदा जो आखिरी में सुनता है, ठीक है।